हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो और आपका स्वागत है रोहित शर्मा और विराट कोहली की एक कमाल धमाल और तड़कती फड़कती वीडियो में। दोस्तों, रोहित शर्मा और विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के दिल और धड़कन हैं। लगभग पिछले 10 सालों से इन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक साथ मिलकर भारतीय क्रिकेट टीम को कई सारे ऐतिहासिक मैचेस जिताए हैं। सही बात है। और वर्तमान समय में भी ये दोनों ही खिलाड़ी इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना इंडियन टीम को देखना मानो एक सूखे रेगिस्तान को देखने जैसा हो जाता है। बात तो सही है। हाँ, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ मैं कि इंडियन टीम इन दोनों खिलाड़ियों के बिना कुछ नहीं कर सकती और जीत नहीं सकती, बल्कि इन दोनों खिलाड़ियों के बिना भी हमारी इंडियन टीम काफी अच्छी है और जीत भी सकती है और जीतती भी है। लेकिन जो फैंस है इन दोनों ही खिलाड़ियों को दिल से पसंद करते हैं, वे समझ सकते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की इंडियन टीम में क्या अहमियत है। ये करेक्ट लड़का है इस घर में। और दोस्तों, ऐसी ही अहमियत हमें एशिया कप में भी इन दोनों खिलाड़ियों की देखने को मिलेगी, और खासकर तो तब जब 2 सितंबर के दिन श्रीलंका के कैंडी के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के आमने सामने होगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तो क्रिकेट में दोनों ही टीमों के पूरे 11 के 11 खिलाड़ी एक दूसरे के आमने सामने भिड़ते हैं, लेकिन जब इंडिया पाकिस्तान मैच की बारी आती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली अकेले ही पाकिस्तान की टीम पर भारी पड़ जाते हैं। और पाकिस्तान की टीम जब तक पूरी टीम इंडिया के बारे में सोचे, उससे पहले तो ये दोनों ही खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम को रफा दफा कर देते हैं। दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि ये तो इन दोनों ही खिलाड़ियों के आंकड़े बताते हैं। और आज की जो वीडियो है वो भी रोहित शर्मा और विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान के बीच की है, जहां आज मैं आपको इन दोनों ही खिलाड़ियों के ऐसे आंकड़े बताऊंगा जिन्हें जानकर भारतीय फैंस तो खुश होंगे लेकिन पाकिस्तान के फैंस के तो होश उड़ जाएंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली एशिया कप खेलने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुके हैं, जहां उन्होंने अपना यूयो टेस्ट भी आसानी से पास कर लिया। तो ऐसे में हमारे खिलाड़ी पूरी तरह से फिट तो हो चुके हैं, बस अब हिट होने की बारी है और एशिया कप में अपना जलवा दिखाने की बारी है। सही बात है। लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ इन दोनों खिलाड़ियों के आंकड़ों की बात करें, तो सबसे पहले आप कप्तान रोहित शर्मा के आंकड़े देखिए। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये सभी आंकड़े वनडे फॉर्मेट के हैं, क्योंकि एशिया कप वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा। तो दोस्तों, रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 16 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 51.41 की एवरेज से कुल 720 रन बनाए हैं, और इस दौरान उनके बैट से कुल 2 सेंचुरी और 6 हाफ सेंचुरी निकली है। इसके बाद अब अगर एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ रोहित शर्मा के आंकड़े देखे, तो उन्होंने अब तक कुल 7 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 73.40 की बेहतरीन एवरेज से कुल 367 रन बनाए हैं, और इस दौरान उन्होंने 1 शतक और 4 अर्धशतक जमाए हैं। इसके अलावा दोस्तों, रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ पिछली जो 5 वनडे पारियां खेली है, उसमें उन्होंने 342 रन बनाए हैं, जिसमें उनके बैट से 2 शतक और 2 अर्धशतक निकले, और ये जो 2 शतक है उनकी पाकिस्तान के खिलाफ लास्ट की 2 वनडे पारियों से निकले हैं, जहां 1 शतक उन्होंने 2018 के एशिया कप में 111 रनों की पारी खेलकर लगाया था, तो वहीं जो दूसरा शतक है वो उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप में 140 रनों की यादगार पारी खेलकर लगाया था। तो दोस्तों, जो आंकड़े रोहित शर्मा के पाकिस्तान के खिलाफ है, उसे देखकर तो पाकिस्तान के फैंस बस यही कहेंगे, हो भाई मारो मुझे। दोस्तों, ये तो हमने हिटमैन का प्रहार देखा, अब हम किंग कोहली का जलवा देखते हैं, जहां विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 13 वनडे मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 48.72 की एवरेज से कुल 536 रन बनाए, और इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 2 अर्धशतक लगाए। ये उनके ओवरऑल रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई क्रिकेट में। लेकिन अगर एशिया कप की बात करें, तो विराट कोहली ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ अब तक कुल 3 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 68.66 की एवरेज से कुल 206 रन बनाए हैं, और दोस्तों, उनकी 2012 के एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 183 रनों की पारी को भला कौन भूल सकता है, जहां उन्होंने पाकिस्तान की टीम को चारों खाने जीत करते हुए ये 183 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी। दोस्तों, ये तो विराट कोहली के सिर्फ ओडीआई क्रिकेट के आंकड़े हैं, अगर टी20 क्रिकेट के आंकड़े पर जाए तो पाकिस्तान के फैंस तो उनके आंकड़े सुनने ही नहीं चाहेंगे। गजब बेइज्जती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि अगर विराट कोहली और रोहित शर्मा का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ चला तो टीम इंडिया को जीतने से कोई नहीं रोक सकता, और हम भारतीय क्रिकेट फैंस तो यही उम्मीद करेंगे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का बल्ला पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला मचाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।